ऑर्पेट ऑयल हीटर में बिग थर्मोस्टेट चेंज करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। इसमें टू पार्ट स्क्रू ड्राइवर, प्लायर और कटर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हीटर में से व्हील प्लेट असेंबली को निकालेंगे। व्हील प्लेट में ये हुक में जो ये विंग नट दिया हुआ है इसको निकालेंगे। और इसके बाद यहाँ पे फिन्स और फ्रंट कवर फिटिंग के लिए जो ये दो स्क्रू दिया है इसको निकालना है। इसके बाद ये डमी स्क्रू को निकालेंगे। और इसके बाद ये जो बोल्ट है इसको निकालेंगे। इसके बाद फ्रंट कवर को निकाल के थर्मोस्टेट को चेंज करने के लिए सबसे पहले इसका जो कनेक्शन है इसको हम काटेंगे। कनेक्शन काटने के बाद इसका जो ये थर्मोस्टेट नॉब है इसको बाहर की ओर खींच के निकाल देंगे। और इसके बाद इसका जो फिटिंग थर्मोस्टेट फिटिंग का दो बोल्ट है इसको निकालेंगे। इस तरह से ये बिग थर्मोस्टेट निकल गया है। अब हम नए बिग थर्मोस्टेट को फिट करेंगे। फिट करने के लिए नॉब को फ्रंट कवर शोपीस में बिठाएंगे। फ्रंट कवर शोपीस में सेंटर लेने के बाद दूसरा बोल्ट है इसको फिट करेंगे। और इसके बाद ये थर्मोस्टेट नॉब को फिट करेंगे। इसके बाद इसका वायरिंग करेंगे। डंपिंग स्विच का जो रेड वायर है ये बिग थर्मोस्टेट रेड वायर के साथ वायरिंग करेंगे। इसके बाद बिग थर्मोस्टेट का जो रेड वायर है इंडिकेटर स्विच का जो है इसके साथ वायरिंग करेंगे।
अगर आपके पास ये जो जॉइंट टेप नहीं है तो आप वायरिंग टेप भी यूज कर सकते हो। इस तरह से ये बिग थर्मोस्टेट फिटिंग हो गया है। अब हम हीटर में फिन्स और फ्रंट कवर को जोड़ेंगे फिटिंग करने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे डमी स्क्रू को फिट करेंगे। और ये बॉटम कवर दो स्क्रू यहाँ लगाना है। फिन्स के साथ ये फ्रंट कवर फिटिंग हो गया है। अब हम फिन्स में व्हील प्लेट को फिट करेंगे। फिट करने के लिए ये हुक टाइप यू टाइप हुक को फिन्स में बिठा के व्हील प्लेट असेंबली में फिट करनी है। के बाद यहाँ पे दूसरा हुक लगाना है। और ये विंग नट को फिट करनी है। व्हील प्लेट असेंबली फिन्स के अंदर फिट हो गई है। इस तरह से ऑयल हीटर में चेंज किया जाएगा।